clear screen. अस्सलाम वालेकुम मैम जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. जी आयशा. वालेकुम अस्सलाम मैम. जी आयान एंड आयशा इज देयर? यस मैम. जी क्या हुआ, सुबह क्लास हुई आपकी 8 o'clock या नहीं हुई फिर? नो मैम. अच्छा, अब क्या होगा, एक क्लास आपकी आज मिस हो गई आई थिंक किसी सब्जेक्ट. मैम इस्लामियात की फर्स्ट क्लास थी क्योंकि उस पर टाइम मेंशन नहीं था और 8 o'clock वही होनी थी. लेकिन 9 o'clock उर्दू की क्लास थी और 9 o'clock इस्लामियात की क्लास स्टार्ट हो गई. अच्छा, यानी कि आज उर्दू की क्लास आई थिंक स्किप हो गई है. चले कोई बात नहीं. yes, हो जाता है कभी इस तरह. चले जी स्टार्ट करते हैं. आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. How many students are there? Just Ayan and Aisha? Only two. Yes, ma'am. And where is the rest of the class? Tani, ma'am. अच्छा, अभी आई नहीं है ना. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना. This is the figure of digestive system of a human being. ठीक है, ये मैंने पहले इसको ओपन कर लिया, उसके बाद फिर टेक्स्ट पे जाएंगे. उसके बाद भी टेक्स्ट पे जाएंगे. आयान कैन यू लिसन मी? आयान नो रिस्पांस फ्रॉम आयान. आयान यस मैम. जी बेटा आप सुन रहे हैं मुझे, आवाज आ रही है आपको क्लियर? यस मैम. ओके लेट्स स्टार्ट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अब ऐसा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दिस कंसर्न्स अबाउट यू. आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर भी ये पूरा सिस्टम, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये तमाम जो ऑर्गन्स हैं ये तमाम आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं. अब इसका पर्पस क्या है, व्हाई वी नीड दिस ह्यूज सिस्टम? देखिए कितना ज्यादा, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, माउथ से स्टार्ट हो रहा है ये और एंड होते होते ये ट्यूब नीचे तक जा रही है. ठीक है, और दरमियान में काफी सारे ऑर्गन्स आपको नजर आ रहे हैं. लिवर भी है, स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज इज हियर, और एट द एंड लास्ट जो ट्यूब है कोलोन है, जो बड़ी आंत जिसे बोलते हैं. देन लास्ट आपकी ट्यूब आ जाएगी हमारी, दैट इज नोन एज रेक्टम. ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि वाई वी नीड दिस सिस्टम. अच्छा जी मुझे बताइए कि हम फूड क्यों खाते हैं, व्हाई वी ईट फूड? एनीबॉडी कैन आंसर? टू गेन एनर्जी एंड यस यस टेस्ट ग्रोथ. यस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी वी गेट फूड. लेकिन जो हम फूड खाते हैं वो तो डिफरेंट शेप्स का होता है, मतलब कि उसमें मीट भी शामिल है, उसमें डिफरेंट फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, रोटी भी हम खा रहे होते हैं, तो क्या वो एज इट इज एनर्जी हमारी बॉडी में जाके एज इट इज एनर्जी बन जाता है? ऐसा नहीं है, बल्कि नो मैम, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. वेरी गुड, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. तो फूड फर्स्टली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, देन फूड स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद इट विल चेंज इट्स केमिस्ट्री. उसकी जो केमिस्ट्री है वो चेंज होगी और वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फैटी एसिड्स और इसमें कन्वर्ट होगी. ठीक है, डिफरेंट विटामिंस एंड मिनरल्स. देन इट विल बिकम, इट विल एब्जॉर्ब इन द ब्लड. ठीक है ना, तो ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और देन थ्रू ब्लड इट विल एंटर इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडीज. ठीक है, ब्लड के थ्रू ये तमाम जो चीजें हैं हमारी सेल्स में एड हो जाएंगी. ठीक हो गया, नाउ स्टार्ट द जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो देखते हैं. फर्स्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इट्स बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब. ठीक है, इसीलिए इसको एलिमेंट्री केनाल भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री केनाल. केनाल, केनाल वैसे एक लंबी सी ट्यूब के लिए हमने ये वर्ड यूज किया, एलिमेंट्री केनाल. सबसे पहला पार्ट है इसका ओरल कैविटी. ओरल मीन्स माउथ, हमारा जो मुंह है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी बायोलॉजी की लैंग्वेज में. कैविटी इज अ
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैविटी? आयान को आइडिया होगा कि नहीं, या आयशा आपको? नो मैम, स्पेस। यस मैम, होल जो हो जाता है स्पेस। यस, कैविटी इज अ क्लोज्ड स्पेस, बंद, जैसे कमरा नहीं होता। कोई भी स्पेस हो जाए, बेशक बड़ी हो बेशक छोटी हो, तो आपका जो माउथ है इट्स अ स्पेस। वही स्पेस, हाँ जी, स्पेस लाइक स्ट्रक्चर। तो ओरल कैविटी माउथ से आपका स्टार्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, देन इट विल लीड्स, माउथ से आगे चला जाएगा, ये कहाँ पर, नेक पोर्शन में चला जाएगा ट्यूब जो है, मतलब हम जब खाना खाते हैं तो माउथ में हम एंटर करते हैं खाने को, च्यू करने के बाद हम इंगल्फ कर लेते हैं इनटू द नेक फूड पाइप और ऑसोफेगस। ठीक है, ऑसोफेगस मींस फूड पाइप। फूड पाइप के बाद इट विल एंटर इनटू द स्टमक। ये देखिए स्टमक इस फॉर्म में पड़ा हुआ है अलॉन्ग विद द लिवर, लिवर के साथ ही स्टमक है। स्टमक विद लीड्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक की देखिए ट्यूब, येलो कलर की ट्यूब कहाँ एंटर हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब है इन दिस फॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशंस। बहुत ज्यादा इसमें बल पड़े हुए हैं क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी होती है ना, तो इसलिए इसको ऐसे फोल्डिंग की फॉर्म में आपको नजर आ रही है। दिस स्मॉल इंटेस्टाइन विल लीड्स इनटू दिस लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए जो ग्रे कलर का आपको पोर्शन नजर आ रहा है, दिस लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको यहाँ पर इन्होंने कॉलोन भी बोल सकते हैं आप, लार्ज इंटेस्टाइन का अदर नेम इज कॉलोन। कॉलोन के बाद इट विल एंड इनटू द लास्ट पोर्शन दैट इज नोन एज रेक्टम। ठीक है, और रेक्टम जितना भी फूड जो कि अनडाइजेस्टेड है इट विल कलेक्ट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड रेक्टम वो एरिया है, वो पॉइंट है जहां पर सारी फूड कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। एट द एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल, और ये ओपन होगा और यहाँ से फीसिस की फॉर्म में जो है ना जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, ये तो एक ट्यूब की मैंने बात कर दी, साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन्स भी नजर आए, जैसे कि लिवर आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है। लिवर इज अ ग्लैंड, ये ग्लैंड के तौर पे काम करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होगा। गॉल ब्लैडर के भी यही कुछ फंक्शंस आगे आप वन बाय वन रीड करोगे। ठीक है, और पैंक्रियाज, पैंक्रियाज हमारी ये जो शुगर्स हैं, जितनी भी हम चीनी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। लिवर मोस्टली फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होगा। तो दीज आर द डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक। अच्छा जी, शुड आई टेक अटेंडेंस फर्स्ट? पार्टिसिपेंट्स आई थिंक हो गए हैं जी। जी, ताहा ताहिर, ताहा इज एब्सेंट टुडे? नो, यस मैम, आई थिंक ताहा इज नॉट प्रेजेंट। आमिना प्रेजेंट, आयशा नूर प्रेजेंट, हनीन आमिर एब्सेंट, ओके, साद बिन आमिर एब्सेंट, साद और ताहा ये पिछली क्लास में थे बच्चे? नो मैम, यस यस मैम, नो मैम, आयान प्रेजेंट, आयान इज प्रेजेंट। बेटा कोई एक बात करे ना, एक बच्चा कह रहा नो, एक बच्चा कह रहा यस, व्हाट्स दिस मैम? नहीं थे ये दोनों, दोनों नहीं थे। और हनीन का क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर है हनीन, आपने उनसे बात की? नो मैम। चलें जी स्टार्ट करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसके अब हम टेक्स्ट देखेंगे, अभी हमने इसका फिगर देख लिया कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी, माउथ से स्टार्ट होगा ये, और हम सबसे पहले जो फूड लेते हैं, लेकिन अभी उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इसको हम देखेंगे। आयान बेटा आप स्टार्ट करो रीड करना, इसको फिर मैं मार्क करवाती हूँ इसकी डेफिनेशन कहाँ से आएगी डाइजेशन की।
ह्यूमन एलिमेंट्री के नाल से पढ़ूं? नहीं बेटा, डाइजेशन, डाइजेशन इन ह्यूमंस, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है ना, उनको हम देखेंगे. ओके ओके. आवर सेल्स रिक्वायर्स ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट्स, एमिनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिंस. दीज कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स टू एंटर सेल. एमिनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स एंड फैटी एसिड्स आर रेयर इन आवर एनवायरनमेंट. सच substances are usually parts of longer molecules like proteins, polysaccharides and lipids. polysaccharides and lipids which cannot cross the membranes. There is a need of converting such large and non-diffusible molecules into smaller and diffusible molecules. This is achieved through the process of digestion. जी जी जी. अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर डाइजेशन की आपको डेफिनेशन मिल रही है, जिसमें क्या हो रहा है, द कन्वर्जन ऑफ, इसको खुद से थोड़ा सा अमेंड करोगे, कन्वर्जन ऑफ लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स दैट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड डाइजेशन. यानी कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है बॉडी की, वो बड़े मॉलिक्यूल्स को क्रॉस नहीं करने देती अपने अंदर से, तो उसको फिर जैसे प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं, पास आउट नहीं हो सकते. तो क्रॉस करने की जारी बात है, सेल के अंदर या बाहर आए जाएंगे तो एब्जॉर्ब होंगे ना इनको, तो इनको क्रॉस करवाने के लिए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा ताकि वे डिफ्यूज हो सकें. तो ये जो प्रोसीजर है, द कन्वर्जन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन इज नोन एज डाइजेशन. इसको यहाँ से आप डाइजेशन की डेफिनेशन ले सकते हो. ठीक हो गया जी. रीड नेक्स्ट. आफ्टर द डाइजेशन द डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम रीच बॉडी सेल्स. जी बेटा आयशा. यस मैम. साध सिंह के, वो साध सिंह के कनेक्ट नहीं हो रहा जूम. जूम कनेक्ट नहीं हो रहा. मैंने वैसे अलाउ तो बेटा मैंने सबको किया हुआ. All participants are allowed to enter. आप सब हो गए हैं तो वो क्यों नहीं हो रहे हैं? सेम उनका, उन्होंने पासवर्ड सही डाला है जो उन्हें दोबारा 10 o'clock वाला मिला था. पुराने वाला तो नहीं रख रहे थे? पता नहीं मैम. पता नहीं बेटा, अब क्या इशू है? नेट उनका स्लो होगा या तो फिर. अच्छा जी, अब ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट. हम ना बताओ कि व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन में क्या प्रोसीजर होता है? मींस द कन्वर्जन लार्ज मॉलिक्यूल्स. कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लार्ज होते हैं हमारी न्यूट्रिशन के? जी जी, नॉन डिफ्यूजिबल, और वो हैं प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स. ये जरा इनकी जो मतलब स्ट्रक्चरल है ना, स्ट्रक्चर वो लार्ज होता है, इट कैनॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, दैट कैन डिफ्यूजेबल. ओके, मूव ऑन टू द, अब ये बेसिकली डाइजेशन के फाइव स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है? इंजेशन. जो हमारी बॉडी में फूड डाइजेशन का प्रोसेस है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? इंजेशन. इसका मतलब होता है हम जब जो फूड है वो हम जब अपने माउथ में लेके जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, यानी कि हम जब फूड खाते हैं, दैट इज नोन एज इंजेशन. डाइजेशन में क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक हो गया. थर्ड स्टेप में क्या होगा? अब सिंपल ये तो नहीं कि बस वो कन्वर्जन हो गई तो बात खत्म, ऐसा नहीं होगा. आफ्टर कन्वर्जन फूड विल बी एब्जॉर्ब, हमारी बॉडी का हिस्सा बनेगी वो फूड. डिफ्यूज, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड लिम्फ. लिम्फ क्या चीज है? लिम्फ हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है बेसिकली, जो कि ब्लड के साथ ये वाला सिस्टम भी रन कर रहा होता है ट्यूब्स की फॉर्म में. तो जितना भी फूड हम खाते हैं, इट इज डाइजेस्टेड इन द ब्लड एंड लिम्फ. उसके बाद फूड एब्जॉर्ब होने के बाद फोर्थ स्टेप आ जाएगा, एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जितनी भी फूड एब्जॉर्ब हो गई है, अब वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का हिस्सा बन जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी. दिस इज कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी. यानी कि फूड को एंटर होकर एब्जॉर्ब होने के लिए स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना पड़ा. जब एक दफा वो सेल के अंदर चली गई वो पार्टिकल्स, तो वो फिर दोबारा से लार्जर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे. आ रही बात समझ?
यानी कि एसिमिलेट होंगे दोबारा से, पहले ब्रेक हुए थे अब दोबारा से एसिमिलेट होंगे, बनना शुरू हो जाएंगे बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स में, ताकि बॉडी की ग्रोथ हो सके। आयान बेटा समझ आ रहा है यहाँ तक आपको? यस मैम। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन वो एसिमिलेशन वो होती है जो छोटे से फिर बड़ा हो जाता है। शाबाश। पहले हमने उसको छोटा बनाया ना ताकि वो चला जाए मेम्ब्रेन के थ्रू, जी उसके बाद हमने फिर उसको बड़ा बना दिया। जी बिल्कुल, दोबारा से जितने भी न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपको? बट आई कैन हेयर यू वेरी क्लियरली। बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है आवाज? यस यस मैम। बस बेटा अब बस यही इश्यूज होते हैं थोड़े से, चले मैं माइक पकड़ ही लेती हूँ, नेट में समटाइम्स ना इश्यूज आ जाते हैं। अब आ रही है आवाज? Yes, miss. आयशा आपको आ रही है बेटा? Can you hear me, आयशा? आयशा का आई थिंक कुछ ना चल रहा है, नेट इशू चल रहा है। ओके, assimilation होगी the building of smaller molecules into larger molecules and then become the part of our body. And the last step क्या होगा? Defecation. Defecation जो undigested food है वो eliminate हो जाएगी। निकल जाएगा। Eliminate हो जाएगा जितना भी undigested part है, क्योंकि जितना food हम खाते हैं वो सारे का सारा body का हिस्सा नहीं बनती, जो extra undigested part है जो कि waste है हमारा, वो सारे का सारा body से निकल जाएगा। तो total these are the different steps of digestion. यहाँ पर एक question भी बन सकता है, what are the different steps of digestion? ठीक हो गया? जी आयशा, can you hear me now? Yes, ma'am. Okay, आप read करो ताकि मैं देखूँ आपका क्या issue चल रहा है। Read करें human alimentary canal. जी ma'am. Human alimentary canal. The digestive system of human consists of a long tube that extends from mouth to anus. This tube is called alimentary canal. Its main sections are oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestines and large intestine. In addition, there are many glands associated with alimentary canal. These are in the form of three pairs of salivary glands. Salivary glands. Yes, salivary glands, a pancreas and liver. Yani ki ye jo aapka first paragraph hai, this is basically the क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज एलिमेंट्री केनाल, और उसका ये आंसर होगा ये जो फर्स्ट फोर लाइंस है। ठीक है, एलिमेंट्री केनाल कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आमना माउथ से स्टार्ट होगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड इनटू द एनस। जी, और इसके अलावा बाकी भी इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं एलिमेंट्री केनाल के, वो सारे इन्होंने मेंशन किए हैं जो कि अभी हमने डायग्राम देखा। ठीक है, उस डायग्राम में सारे पार्ट्स आपने ऑब्जर्व किए कि स्टमक कहाँ पड़ा हुआ है, ऑसोफेगस कहाँ है। ऑसोफेगस इज बेसिकली फूड पाइप। ठीक है, और जो सबसे पहले तो ओरल कैविटी है ना माउथ, माउथ के बाद फेरेंक्स आता है। फेरेंक्स मतलब आपका बिल्कुल ये हलक जहां से आपने फूड को अंदर की तरफ एंगल्फ करना है। निगलते हैं ना हम, नवाला जब खाते हैं तो हम उसको निगलते हैं, तो ये हमारा जो नेक पोर्शन है जहां से फूड अंदर चला जाता है, और उसके बाद पाइप में चला जाता है, फूड पाइप, दैट इज ऑसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये तमाम जो जितने भी इसके पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो कैसे अपनी अपनी अलग अलग वर्किंग करते हैं। ये सब मिलकर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जब सब अपना अपना काम करेंगे, दे विल मेड अ एन ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई आपको यहाँ पे कि जैसे आप कुछ भी खाते हो, एक रोटी की एग्जाम्पल दी हुई है कि जब आप रोटी खाते हो या मटन खाते हो तो वो फिर डाइजेस्ट होगा, और सबसे पहले हाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी एसिड, वाटर आर प्रोवाइडेड टू द सेल। वो कह रहे हैं हम खाते तो रोटी है या मटन खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जाके वो कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं
न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ये सारा प्रोसीजर अब हम इन आगे नीचे देखेंगे। अच्छा जी, ऑरल कैविटी। जी अमना, यू रीड ऑरल कैविटी में अब क्या क्या होगा? फर्स्टली वैसे आप अपने मुंह में जब नवाला लेके जाते हो तो क्या काम करते हो? हाँ जी बिल्कुल, आप च्यू करते हैं उससे बहुत ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 30 टाइम्स च्यू करना चाहिए एक बाइट को जो हम मुंह में लेके रखते हैं। इंजेस्शन जब हम करते हैं ना, इंजेस्शन मीन्स टेकिंग ऑफ फूड, उसको 30 टाइम्स च्यू करना चाहिए। और साथ साथ जब हम च्यू करते हैं तो हम अपनी टंग के थ्रू उस नवाले को कभी एक साइड पे लेके जाते हैं, कभी दूसरी साइड पे। सेकेंडली, सबसे पहले तो आप उसको देखते हो कि वो बिल्कुल ठीक फूड है, उसकी सिलेक्शन आप करते हो, यानी कि जो आपका माउथ है ना उसके अंदर सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं जो कि उसके टेस्ट को चेक करते हैं, उसकी स्मेल को चेक करते हैं कि फूड इज ओके। जब वो ठीक हो फिर आप उसको खा लेते हो, और खाने के फिर आप च्यू करते हैं। च्यू प्रोसीजर में क्या होता है, मैस्टिकेशन इज अ च्यू प्रोसीजर जिसमें आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हो, और आपके मुंह के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी मौजूद हैं जिनको सलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है, और वो आपके नवाले को सॉफ्ट कर देते हैं, उनके अंदर वाटर ऐड करते हैं, म्यूकस ऐड करते हैं जिससे वो पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी आमना, जी आमना रीड दीज लाइंस। ओरल कैविटी इज द स्पेस बिहाइंड माउथ एंड हैज मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। Food selection is one of them. When food enters oral cavity, it is tasted and felt. If the taste of mutton suggests that it is old, we reject it. If teeth or tongue detect some hard objects such as dirt, we also reject that bite. The senses of smell and vision also help oral cavity in the selection of food. फर्स्ट पार्ट में आ गया कि हाउ वी कैन वी सिलेक्ट द फूड, अगर कोई उसमें गंदगी है, डर्ट पार्टिकल्स हैं या फूड खराब है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जी रीड नेक्स्ट। द सेकंड फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी इज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ। इट इज नोन एज च्यूइंग और मैस्टिकेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, व्हाट इज मैस्टिकेशन? अब सुनने में वर्ड डिफिकल्ट है, बट इट हैज वेरी इजी मीनिंग। इसका मतलब है फूड को च्यू करना। दिस इज यूजफुल बिकॉज़ एसोफेगस कैन पास ओनली स्मॉल पीसेस, एंजाइम्स आल्सो कैन नॉट एक्ट ऑन लार्ज पीसेस ऑफ फूड, दे रिक्वायर स्मॉल पीसेस विद लार्ज सरफेस एरियाज टू अटैक। जी अब यहाँ पर आप देखो कि हम फूड को च्यू क्यों करते हैं, ताकि वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमारी जो नेक है उसमें जो ऑसोफेगस एक पाइप की फॉर्म में पड़ा हुआ है, दैट इज वेरी सॉफ्ट, और उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स एंटर नहीं हो सकते। सेकेंडली, दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है च्यू का, वो क्या है कि एंजाइम्स भी बड़े पार्टिकल्स पर अपना काम नहीं करते, उनको प्रॉपर वर्किंग करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, और उसके लिए फूड को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ च्यूइंग? ठीक है कि च्यूइंग की रीजन या मैस्टिकेशन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ मैस्टिकेशन? तो रीजंस यही है कि हमें इन दो कामों के लिए मैस्टिकेशन का काम करना पड़ता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। थर्ड एंड फोर्थ, जी पढ़िए आगे अमना। The third and fourth function of oral cavity are lubrication and chemical digestion of food. The chewing process stimulates the three pairs of salivary glands under tongue, behind jaws, and in front of ears to release a juice called saliva in oral cavity. Saliva adds water and mucus to food, which act as lubricant to ease the passage of food through esophagus. Saliva also contain an enzyme, salivary amylase, which help in the semi-digestion of stretch. जी, अब second paragraph में third and fourth function क्या है oral cavity का? To lubricate. Lubricate means soft करना, to soften the food. बिल्कुल paste की form में convert हो जाएगा। क्यों soft हो जाएगा? क्योंकि हमारे जो mouth के अंदर three glands मौजूद हैं, salivary glands. Tongue के नीचे भी है एक, और behind the jaw है, हमारे जो जबड़े हैं उसके पीछे है, and in the front of ear. ये position है salivary glands की. ग्लैंड बेसिकली वर्ड होता है, इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच होता है, छोटा सा थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से कोई ना कोई लिक्विड रिलीज होता है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स जिसमें से सलाइवा रिलीज होगा, और सलाइवा बेसिकली इसमें वाटर भी मौजूद होता है और म्यूकस, जैसे स्टिकी सोल्यूशन, जैसे गम नहीं होती उस तरह का, तो आपकी थूक को बेसिकली सलाइवा जी बोला जाता है। जी बेटा,
मैम ये जो म्यूकस है इसकी स्पेलिंग MUCUS पढ़े थे हमने साइंस में ग्रेड 7 की. नहीं नहीं MUCOUS इज द राइट स्पेलिंग ऑफ म्यूकस. वो अबाउट ब्रिटिश और अमेरिकन का कोई डिफरेंस होगा आई थिंक. वैसे मैंने अभी तक MUC आपने OS पढ़ा हुआ है? MUCUS नहीं 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 ओ के साथ ही मैंने जब भी म्यूकस अभी तक देखा तो आपकी वो कोई लैंग्वेज का डिफरेंस होगा ब्रिटिश या अमेरिकन. जैसे कलर और कलर में फर्क होता है ना ओ यू आर और ओ आर वाला. माइट बी मैम वो ऑक्सफोर्ड की बुक थी. हाँ समटाइम्स ऐसे होता है कि वो या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है. लेकिन वैसे मैंने अभी तक म्यूकस इन्हीं स्पेलिंग्स के साथ देखा. तो सलाइवाज में है वो कह रहे हैं कि वो फूड को सॉफ्ट कर देता है. सॉफ्ट मीन्स लुब्रिकेट करना. जैसे अक्सर हम देखते हैं मशीन्स को लुब्रिकेट किया जाता है पार्ट्स को ताकि तेल लगा जाता है ताकि उनके पार्ट्स जो हैं वो सॉफ्ट रहें बहुत ज़्यादा रगड़ ना खाएं. तो सलाइवा आपके फूड को लुब्रिकेट करता है. और उसके अंदर इसके अलावा एक एंजाइम्स भी पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज. अमाइलेज जो है एंजाइम हेल्प्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च. अगर फूड के अंदर स्टार्च है तो उसको यहीं से डाइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक हो गया क्लियर हुआ स्टूडेंट्स. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी? यस मैम जी. लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें बताया जा रहा है कि जब ये सारे काम हो जाते हैं ना तो जो फूड जो हमने अपने मुंह में स्टार्ट में जो नवाला रखा था वो बिल्कुल एक गोले की फॉर्म में राउंड शेप उसकी हो जाती है स्लिपरी हो जाता है. देन स्फेरिकल मास कॉल्ड बोलस जो नवाला है उसको क्या बोलेंगे हम? बोलस. वी स्वेलो बोलस. हम बोलस को फिर स्वेलो कर लेते हैं एंड पुश इट इन द ऑसोफेगस और उसके थ्रू फेरेंक्स. फेरेंक्स आपकी बिल्कुल ये जो हलक है ठीक है हलक जहां से आप इंगल्फ करते हो किसी भी चीज को तो फेरेंक्स के थ्रू हम ऑसोफेगस में फूड पाइप में ले जाते हैं बोलस को. यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज बोलस. ठीक है अब ये जो टॉपिक है ना इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत निकलते हैं. व्हाट इज बोलस. इसके अलावा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन द ओरल कैविटी इस पैराग्राफ में आ जाएगा. उसका फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसके पास एक एंजाइम भी मौजूद है. कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है आयान आर यू गेटिंग द ऑल द पॉइंट्स? यस मैम. व्हाट इज मैस्टिकेशन आयान? मैस्टिकेशन मैम वो ग्राइंडिंग ऑफ फ्रूट थ्रू टीथ. मैस्टिकेशन मींस ग्राइंडिंग ऑफ फूड सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसका फायदा क्या है मैस्टिकेशन का? अगर हम फूड को एज इट इज ही इंगल्फ कर लें बड़ा सा जो नवाला खाया क्योंकि जो क्योंकि ऑसोफेगस से जो चीज जानी होती है वो सिर्फ स्मॉल पार्ट्स में जा सकती है इसलिए. वेरी गुड वेरी गुड. और सेकंड इसका फायदा क्या है? एंजाइम्स अपना काम नहीं कर सकते लार्जर फूड पार्ट्स के ऊपर. जी उनको ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए टू अटैक. जी तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए भी मैस्टिकेट द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. ओके आयशा व्हाट आर द थ्री ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं माउथ के अंदर? मैम अंडर द टंग. शाबाश अंडर द टंग. बिहाइंड जॉज. ये सामने इन फ्रंट ऑफ ईयर्स. यस इन फ्रंट ऑफ ईयर्स. शाबाश बिहाइंड जॉज. तो ये ग्लैंड्स हैं और जैसे ही आप फूड इवन आप देखते ही हो ना अभी और आप उसकी खुशबू अभी लेते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है. होता है ना इस तरह? इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस. यस मैम. तो ये क्यों होता है? ये इन ग्लैंड्स की वजह से ही होता है कि आपको एकदम से मुंह में पानी आ जाता है और फिर म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. माउथ वाटरिंग होती है ड्यू टू दीज ग्लैंड्स. ग्लैंड्स आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे पाउचेस होते हैं और उनसे वाटर रिलीज होता है हेल्प करता है हमारे फूड को लुब्रिकेट करने में. ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये छोटा सा ओरल कैविटी को इन्होंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ है. सॉफ्ट पैलेट ऊपर का जो तालू होता है उसे पैलेट बोलते हैं. ये सॉफ्ट होता है स्टार्ट में हार्ड है आगे चल के गर्दन की तरफ अगर जाएं तो ये बिकम सॉफ्ट. फिर ये टंग देखें. टंग है. टंग भी बहुत काम कर रही होती है फूड जो हम खाते हैं ना नवाला लेते हैं उसे रोल करती है कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे उसकी पोजीशन चेंज करती रहती है. और दिस इज एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस अब एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस ये स्ट्रक्चर्स आप बेसिकली ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर.
कभी आपने अपना मुंह पूरा खोल के देखा है शीशे में? ऐसे कभी अक्सर हम टीथ साफ करते हैं तो मुंह ऊपर वाइड पूरा खोल लेते हैं, तो आपको नेक में एक छोटा सा, नेक में छोटा सा एक वो लटकी हुई कोई चीज नजर आ रही होती है, वो क्या चीज है, कभी नोटिस किया? मैम हम तो उसे कौवा कहते हैं। हाँ, बच्चे उसे कौवा ही कहते हैं, बेसिकली दैट इज एपिग्लॉटिस। एक्चुअली जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारी सांस की नाली को बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, सांस की नाली को बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, तो उसको कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस एक ये कौवा जिसे आप कह रहे हो ना, दैट इज एपिग्लॉटिस। और जब हम फूड खाते हैं या पानी पीते हैं, तो एपिग्लॉटिस कवर द विंड पाइप, हमारे सांस की नाली को कवर कर देता है ताकि फूड ऊपर ऊपर से गुजर जाए, मतलब कि हाँ आपकी नेक के अंदर। अच्छा ये भी एक बात इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, आपकी नेक में टू टाइप्स ऑफ ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन योर नेक, वन इज विंड पाइप, ये जहाँ मैं पॉइंटर लगा रही हूँ, ट्रेकिया जिसे बोल रहे हैं, एंड द सेकेंड इज फूड पाइप जिसे ओसोफेगस बोला जा रहा है, ठीक है। आगे की तरफ सांस की नाली है और उसके बिल्कुल पीछे हमारी खाने की नाली है, ठीक है, फूड पाइप है, आगे विंड पाइप है, पीछे फूड पाइप है। अब दोनों साइड बाय साइड हैं और दोनों ही लिंक कहाँ कर रही है, हमारे माउथ के साथ। अब जब हम कुछ खाएंगे तो चांस हो सकता है कि कुछ खाते हुए या कुछ पीते हुए हमारे ट्रेकिया में, जिसे हम विंड पाइप कह रहे हैं, कुछ एंटर हो जाए, और अगर यहाँ कुछ एंटर हो जाए तो हमें बहुत शदीद खांसी आती है ना, तो उसको कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस सर्व्स अ लिड, वो एक लिड का काम करता है ताकि ये इसको बिल्कुल बंद कर दे, और हम जब कुछ खाएं तो वो ऊपर से एपिग्लॉटिस के ऊपर से स्लिप होकर वो कहाँ चला जाता है, फिर फूड पाइप के, ठीक हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, खाना खाते हुए पानी पीते हुए बहुत ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सांस की नाली में कुछ जाने का चांस हो सकता है। जी आयान, रीड द नेक्स्ट। जी pharynx and esophagus swallowing and peristalsis, ye chota sa topic kar lete hain aaj. During swallowing, bolus is pushed to the back of mouth by tongue. When tongue pushes bolus, the soft palate also moves upward and to rear. Rear means पीछे की तरफ, हमारा जो तालू है जब हम खाना खाते हैं तो बता रहे हैं कि क्या पोजीशन होती है हमारे नेक की, हमारा जो पैलेट है वो ऊपर की तरफ उठता है एंड पीछे की तरफ भी मूव करता है, फ्लेक्सिबल है ना ये, तो ये थोड़ा सा ऊपर होके पीछे हो जाता है, रियर मींस पीछे। इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ नेसल कैविटी इज क्लोज्ड व्हेन स्वेलोड द बोलस पासेस फारिंक्स टू एंटर ओसोफेगस। फारिंक्स, फारिंक्स बिल्कुल आप समझो वो नेक पॉइंट है जहां से हम फूड को अंदर लेके जाएंगे। Pharynx has adaptations to prevent the entry of bolus particles in trachea. With swallowing, larynx moves upward and forces the epiglottis into horizontal position. Larynx. Ayan, आपने तो आपकी वो खत्म नहीं हुई आदत है, आप मुख्तलिफ तरीके से प्रोनाउंस करते हो वर्ड्स को, दोबारा रीड करें यहाँ से। अच्छा इस पैराग्राफ में क्या बताया उन्होंने कि हम अंदर कैसे लेके जा रहे हैं बोलस को। बोलस मींस वो जो स्फेरिकल अब सॉफ्ट एक बन चुका है पोर्शन फूड का जो बाइट है, दैट इज नोन एज बोलस। अब वो अंदर कैसे जा रहा है कि वो बिल्कुल आपका जो पैलेट है वो हेल्प करेगा, टंग उसको रोल करेगी पीछे की तरफ, और फिर हमारी जो नेसल कैविटी की ओपनिंग है, नेसल कैविटी मींस नाक, नाक की जो ओपनिंग है, आपको पता नहीं सब कुछ अटैच है हमारी गर्दन के साथ, नेजल कैविटी भी, जी तो वो भी कह रहे हैं क्लोज हो जाएगी और फिर जो बॉलस है वो नीचे की तरफ पुश कर जाएगा। अच्छा जी आगे चलें, आयान बेटा रीड द नेक्स्ट लाइंस। थस ग्लोटिस द ओपनिंग ऑफ ट्रेचिया इज क्लोज्ड, द बिगनिंग ऑफ स्वेलिंग एक्शन इज वॉलंटरी, बट वंस फूड रीचेस द बैक ऑफ माउथ स्वेलिंग बिकम्स ऑटोमेटिक। जी अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप जज, मैंने भी आपको बताया ना कि लैरिंक्स आपके जो गला है, लैरिंक्स बोलते हैं आपके वॉइस बॉक्स को, लैरिंक्स नेक के अंदर एक छोटा सा बॉक्स है टॉप ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया मींस
आपका जो सांस की नाली है उसकी बिल्कुल टॉप को बोलते हैं लैरिक्स, और इसकी वजह से आपकी आवाज गले से बाहर आती है, ठीक है। लैरिक्स को आम वर्ड में बोला जाता है वॉइस बॉक्स, आपके बोलने का वाला बॉक्स, ठीक है। ड्यूरिंग स्वेलिंग जो लैरिंग्स है मूव्स अपवर्ड एंड फोर्सेस द एपिग्लॉटिस इनटू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, बस इनकी पोजीशन बताइए कि ऊपर की तरफ मूव करता है और एपिग्लॉटिस को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आता है। दस ग्लॉटिस दैट इज ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज क्लोज्ड, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा जो ट्रेकिया है, हमारा जो विंड पाइप है उसको बंद होना चाहिए जब हम कुछ भी स्वेलो करें, तो बंद करने के लिए ग्लॉटिस के ऊपर क्या आ जाता है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस स्टार्टिंग ऑफ ट्रेकिया को बोला जा रहा है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, एपिग्लॉटिस, एपी मींस अबव, ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन आ जाता है। और आगे बताया जा रहा है द बिगनिंग ऑफ स्वेलिंग एक्शन, जब हम किसी चीज को निगलते हैं स्वेलो करते हैं वो तो हमें पता होता है वॉलंटरी एक्शन है, लेकिन जैसे ही फूड पाइप में हमारा चला जाता है बॉलस, उसके बाद ऑटोमेटिकली बॉलस नीचे नीचे शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब आप मुंह से आगे नवाला ले जाते हो, जब अंदर चला जाता है गर्दन में, फिर आपके कंट्रोल में नहीं, आप उसे वापस नहीं लेके आ सकते, ठीक है। अच्छा जी आयशा, यू रीड नेक्स्ट लाइंस, यू रीड नेक्स्ट लाइंस। ओके मैम, आफ्टर बीइंग स्वालोड फूड एंटर्स ट्यूब। हेलो, कॉल्ड esophagus, which connects esophagus contributes to digestion and the previous digestive actions of saliva. Continue. जी वो कह रहे हैं peristalsis. नहीं नहीं बेटा, मुझे यहाँ से explain, the food enters the tube called esophagus, which connects the pharynx to the stomach. अब ये वाली है, this is esophagus जो है, ये देखें आप इसकी structure कैसा है esophagus का, ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट, वो जैसे जो सॉफ्ट सी ट्यूब है हमारा जो ऑसोफेगस है, फूड पाइप है, इट्स अ सॉफ्ट ट्यूब, जहां जहां से बॉलस गुजर रहा है वहां से ये ट्यूब खुल जाती है, डायलेट हो रही है, और मसल्स इसके कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जहां जहां रिलैक्स करेंगे मसल्स, अब यहाँ देखो वहां पे जो ट्यूब है वो बड़ी हुई है, साइज में ओपन हो रही है, और बॉलस वहां से पास करेगा, लेकिन बॉलस के बिल्कुल पीछे वाली पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ताकि इसको पुश करके आगे की तरफ भेजा जा सके, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑसोफेगस जो बॉलस है वो आगे की तरफ कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। इसके अलावा सलाइवा इसको बहुत ज्यादा स्लिपरी बना देता है, तो ये नीचे नीचे चलता चला जाता है। जी लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, पेरिस्टाल्सिस क्या है। पेरिस्टाल्सिस मूव्स फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम। Peristalsis is defined as the waves of contraction and relaxation in the mouth muscles of alimentary canal walls. जी, overall peristalsis. What is peristalsis? ये आपके elementary canal की walls की contractions और relaxations को बोलते हैं। Contractions में क्या होगा? Muscles contract होके tight होके बंद होने की कोशिश करेंगे, जबकि जो relaxation है उसमें muscles loose हो जाएंगे, उसकी वजह से food आगे आगे pass होगी। और अगर पेरिस्टाल्सिस समटाइम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करती है, उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर पेरिस्टाल्सिस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, तो फिर आपको क्या होगा, वॉमिट हो जाएगी आपको, खाना जी वॉमिटिंग हो जाएगी। तो चलें जी स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो इतना ही हम करेंगे, और इसमें आपने जस्ट डायग्राम्स ही ड्रॉ करनी है। ये एक तो ये पेरिस्टाल्सिस वाली, ये जो डायग्राम आपको सामने नजर आ रही है फिगर 8.5, देन यू विल ड्रॉ, ऊपर चले जाएं, ऊपर मेन पर, एक मेन पर है कोई डायग्राम, वो वाली कर लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो एंड पे मैंने दिखाई थी ना आपको बुक में, आपके बिल्कुल एंड पे बनी हुई है। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम जस्ट, आज आपने इसके अलावा कोई रिटर्न वर्क नहीं करना, क्लियर है जी। ओके मैम, मैम टू डायग्राम्स ओनली जी, टू डायग्राम्स, और आई विल ऑन फ्राइडे आई विल लिसन ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, ओके मैम। सारा इस चैप्टर का जितना सारे चैप्टर का नहीं बेटा, सब नहीं, ये आज का टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जितना आज पढ़ा है। ओके मैम, ठीक है जी, ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह हाफिज़ जी बेटा, यान यस बेटा, वो मैंने आपको बताना था, वो जो कंडी का मैं कल बता रहा था ना, जिसमें वो रोटियां बनती है मिट्टी से जी, उसका नाम हाइटी है, HAITI, हाइटी, मैंने सर्च किया था। अच्छा, ये वो वाला कंट्री है, इसमें मट्टी की रोटी बनती है। किस जगह पे है ये कंट्री, किस एरिया, मतलब किस कॉन्टिनेंट में आता है? हाँ जी,
ये कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका का है. नॉर्थ अमेरिका, ओके चले मैं भी चेक करूंगी मिट्टी से. और जो ये कंट्री है ना, और जो ये कंट्री है ये कैरिबियन सी में है. सी के अंदर, कैरिबियन सी, कैरिबियन सी उसके पास है, आइलैंड टाइप है, कैरिबियन सी के अंदर है. ओके ओके चलो ठीक है, चले देखती हूँ मैं भी, देखती हूँ कैसे खाते हैं रोटी की, मिट्टी की रोटी. ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़ मैम.